अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, दैट इज़ द पॉइंट वेयर कैपिटल स्मार्ट सिटी इज़ लोकेटेड। ये मोटरवे पे आप जाते हैं तो ये आपको कटी हुई पहाड़ी और उसके ऊपर कुछ खंबे नज़र आते हैं। कैपिटल स्मार्ट सिटी इस्लामाबाद की लोकेशन के हवाले से एक इंपॉर्टेंट वीडियो आपके लिए बना रहा हूँ। इससे थोड़ा सा पीछे यानी कि कैपिटल स्मार्ट सिटी का इंटरचेंज होगा। इस टाइम मेरा मूव है टूवर्ड्स इस्लामाबाद और मैं इस्लामाबाद की तरफ जा रहा हूँ। तो तकरीबन यहाँ से 2 से 3 मिनट ड्राइव के ऊपर ये देख रहे हैं इस्लामाबाद का बोर्ड आ गया उसका एयरपोर्ट का। तो तकरीबन 2 से 3 किलोमीटर के फासले के ऊपर ठलिया एंड न्यू इस्लामाबाद एयरपोर्ट का इंटरचेंज है। तो अल्हम्दुलिल्लाह कैपिटल स्मार्ट सिटी इज़ लोकेटेड ऑन द प्राइम लोकेशन ऑफ द जॉइंट द ट्विन सिटीज़। तो आप ये देख रहे हैं मोटरवे के ऊपर, अगर आप ये वीडियो तकरीबन अभी 1 मिनट हुआ है और ये हम पहुँच रहे हैं यहाँ पे, 1 मिनट और 1 सेकेंड हो गया। ये लेफ्ट साइड पर आपको बोर्ड नज़र आ रहा है 2 किलोमीटर का, ये है एयरपोर्ट लिखा हुआ लेफ्ट साइड पे, नज़र आ गया जी, ठीक है। और इसके अलावा अगर आप बात करते हैं स्पीड की, मोटरवे पे नॉर्मल ये स्पीड होती है 120 है LTV गाड़ियों के लिए, जो छोटी गाड़ी हैं तो 120 की रफ्तार से आप जाते हैं इस मोटरवे पे। तो जो है आपको काफ़ी छोटे फासले के ऊपर ये सारा वो पड़ता है। मैं आपको टूवर्ड्स इस्लामाबाद आज मैं कश्मीर हाईवे तक आपको लेके जाके बताऊंगा कि कितना टोटल फासला बनता है, ठीक हो गया। किलोमीटर के हिसाब से लगाएं तो इस टाइम मेरा 908 है, 905 पे निकला था, ये 905 था, 3 किलोमीटर हम आ गए हैं। तो ये ठलिया इंटरचेंज का वो आ गया है, ये आपका आ गया जनाब इस्लामाबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट का इंटरचेंज। जस्ट 2 मिनट ड्राइव टूवर्ड द इंटरचेंज। इस इंटरचेंज से जब आप जाते हैं टूवर्ड एयरपोर्ट तो 3 मिनट आपके, 3 से 4 मिनट लगते हैं। इस तरह ये आपका इंटरचेंज है, ये देख रहे हैं ये इंटरचेंज है। तो इस तरह आपका जो टोटल टाइम है वो हम जो क्लेम करते हैं कि वी आर 5 मिनट्स अवे फ्रॉम द न्यू इस्लामाबाद एयरपोर्ट, तो दैट इज़ नॉट ओनली द क्लेम, ये सच है और ये रियल है। जस्ट आपको एक दफ़ा विजिट करना पड़ेगा और आपको एक दफ़ा चीज़ देखनी पड़ेगी तब आपको समझ आएगी। ये लेफ्ट साइड पर एयरपोर्ट के लिए रोड ऊपर चढ़ रही है, ठीक हो गया। ये वो ब्रिज है जिसके ऊपर गाड़ियाँ उतरती हैं और आगे जाती हैं। यहाँ से हार्डली 5 मिनट की ड्राइव पर, मैं स्पीड थोड़ी कम कर लेता हूँ, ये लें 120 पे। लोग कहते हैं लास्ट वीडियो में लोग कहते हैं, अब आवाम के आर्गुमेंट देखें ना, खुदाई कसम बंदा कहता है क्या कहे, बंदा कहते हैं सर जी आप 140 की स्पीड से गए इसलिए आप जल्दी पहुँचे। और अल्लाह के बंदो मोटरवे पे 120, अब चले 120 पे जाता हूँ तब भी थोड़ा सा ही फासला पड़ेगा। तो भाई ये मोटरवे है, मोटरवे से इतना ही टाइम लगता है। ये कोई टो खब्बे का मोहल्ले वाली रोड तो है नहीं कि जिस पे जो है मैं 50 किलोमीटर पर रफ्तार स्पीड से जाऊँगा, ब्रेकें मारूंगा। मैं लाहौर से चला हूँ अभी, कलर कार के बाद मैंने सिर्फ एक आध ब्रेक मारी होगी। तो ये तो मोटरवे है, इस पर आप फौरन पहुँचते हैं। मोटरवे की जो एक्सेस है ना, ये सिटीज़ को बहुत नज़दीक कर देती है। मैं मिसाल के तौर पर आपको बताता हूँ, मैं बैरियटाउन रावलपिंडी फेज 7 में रहता हूँ, ठीक है। मुझे ब्लू एरिया जाते हुए ना 45 मिनट लगते हैं, क्या वजह है? कम अज़ कम कुछ 40 इशारे आते हैं, मैं तंज मार के कह रहा हूँ, हर इशारे पे आपको 10 मिनट लगते हैं। मतलब क्या ये चीज़ें होती हैं, जब मोटरवे पे आप जाते हैं तो आपको रफ्तार इस, ये सेम वही मिसाल है जीटी रोड वाली और मोटरवे वाली। मैं लाहौर से भी आया हूँ जीटी रोड पे, मोटरवे पे आया हूँ, ये ज़्यादा ये तकरीबन 80-90 किलोमीटर ज़्यादा बन रहा है लेकिन फासला मेरा 4 घंटे में तय हुआ है। वो 80 किलोमीटर कम बन रहा है लेकिन फासला मेरा 2 घंटे ऊपर लग के 6-7 घंटों में कवर होता है। ब्रेकिंग अलग, टायर अलग ज़ाया होता है, ब्रेक पेट्रोल हर चीज़ ज़ाया हो रही है, ठीक हो गया जी। ये है हाइब्रिड गाड़ी लें खूबसूरत सी, कैपिटल स्मार्ट सिटी में घर लें, ज़िंदगी को एंजॉय करें। यहाँ से अभी 3 किलोमीटर एग्जिट आ गया न्यू अपना इस्लामाबाद के इंटरचेंज का, उस ये एम टैग लगा हुआ, ये भाई देख लें, ये बच्चा भी साथ साथ शोर कर रहा है, इसको भी पता लग गया कि वीडियो बन रही है, अभी तक चुप था। ये भाई इंटरचेंज का वो है, ये एम टैग लगा हुआ है, ना राशि खलना ना कि थे बस जमी जाना ने डंडा ऊपर होगा आगे निकल जाऊंगा। दूसरी चीज़ ये है कि देखें इस जैसे ही आप, मैं आगे इंटरचेंज से उतरूंगा, ठीक हो गया जी, तो जैसे ही इंटरचेंज से आपके सामने भी उतरूंगा तो सामने ही मेरे जो है ना कश्मीर हाईवे, मैं कश्मीर हाईवे पर चढ़ूंगा और कश्मीर हाईवे से मैं आगे जहाँ मेरा दिल करेगा मैं जाऊँगा। नॉन स्टॉप कोई इशारा नहीं है, फैसल मस्जिद जाओ, G11 जाओ, जब मर्जी जाओ, ये सामने आपका आ गया।
उसे डेडिकेटेड जो मोटर वेंटर चेंज हो सकता है इसमें ये फैसिलिटी भी हो कि जो कैपिटल स्मार्ट सिटी के रेजिडेंट्स हैं हो सकता है उनकी जो प्राइस है वो भी कम हो। अच्छा जी, लोग एक तो ना बड़े गोल के पीछे ना हमारे लोग छोटी छोटी चीज़ों को बहुत ज़्यादा देखते हैं, कहते हैं भाई इंटरचेंज पे हमारा पैसे कितने लगेंगे। अगर आप अभी बात करते तो 30 रुपया लगता है आपका, 30 रुपये इंटरचेंज कर लेते हैं अगर आप ठली इंटरचेंज से एयरपोर्ट ट्रिप 30 रुपये आपसे लेते हैं। लेकिन जाहिर बात है जब आप मेंबर बन जाएंगे प्रॉपर तो आपके पैसे कम हो जाएंगे, ठीक हो गया। हमारे लोग वो 30 रुपया नज़र आ रहा है लेकिन दो घंटे खजल ख्वार होकर बंदा रोडों पे, पिंडी की रोडों पे, जीटी रोडों पे ज़ाया हो जाए वो खैर है, लेकिन ये 30 रुपया बहुत ज़्यादा उनको लगता है। ये आप इधर आप आते हैं, ठीक हो गया, ये आपके सामने वो बत्तियां बारे में थोड़ा जूम कर दूंगा। हेलो जी, जूम है, जूम भी हो गया जी। ए तक ये जी न्यू इस्लामाबाद एयरपोर्ट इंटरचेंज, आहो आपके सामने एक खूबसूरत प्रोजेक्ट कैपिटल स्मार्ट सिटी इस्लामाबाद से। बट टाइम तक लो भी 6 मिनट हो गए ना मैं वीडियो बनाते हुए, 916 हो गया, 16 कितना 6 और 5 11 किलोमीटर, 11 किलोमीटर यहाँ तक लगे हैं। और मैं तू जा सा सीधा ही अलग अकाउंट पैसे ऑन नहीं थे, ये अभी देखे ना आपको दिखाता हूँ मैं, ये आ गया मैं वाइड एंगल में आपको दिखाता हूँ, मज़ा आ जाए आपको। ये देखें जी आईफोन 11 का कमाल देखें, वाइड एंगल में आपको वीडियो नज़र आ रही है। ऐ चौक लो भाईजान, कोई नहीं भाईजान बैलेंस कोई नहीं है, एक मिनट कितना बैलेंस है, कितने पैसे हो गए लाहौर से? 750। ये ले देखें, सलाम कर दे भाई वीडियो में, क्या हाल है? ये भाई ने सलाम भी कर दिया। वैसे जो है ना ये एम टैग होता है, जैसे ही पैसे होते हैं खुद ऊपर हो जाता है, आज पैसे कौन ही सन, थैंक यू थैंक यू। ऐ पर्ची मिल गई मन है टैक्स गवर्नमेंट नू देना, मैं अल्लाह का शुक्र है बाइज्जत शहरियाँ पाकिस्तान का। लो भाई मैं बत्ती तेज करके तो सू कैपिटल स्मार्ट सिटी बोर्ड भी दिखाना, ये मैं सीधा आ गया इतने अपना मोटरवे तू लै गया, समझ लो कोई इंटरचेंज तू ए सामने तक लो भजन, मैं जूम करके दसना ए कैपिटल स्मार्ट सिटी का बोर्ड लग्या पे है, थोड़ा ब्लर ब्लर नज़र आ रहे क्योंकि इस टाइम अंधेरा है, बेचारा बड़े मुश्किल न मोबाइल जो है ना सारी शायद तब तक आ रहा है। अच्छा जी ये अब आते हैं, ये आप लेफ्ट पे देख रहे हैं, ये लेफ्ट पे टॉप सिटी है, राइट पे 18 इस्लामाबाद है, लग्जरी प्रोजेक्ट है, तक अराउंड 4 करोड़ रुपए का दे रहे हैं 10 मरला विला, हम कैपिटल स्मार्ट सिटी में वही विला दे रहे हैं 1.5 करोड़ का। और ये यूनिवर्सिटी टाउन है, ये कैपिटल, ये टॉप सिटी है लेफ्ट साइड पे, ठीक है। मुआवजा भी साथ साथ करता चलता हूँ, टॉप सिटी में 45 लाख रुपये का 5 मरला किस्तों पर दे रहे हैं, हम 26 लाख का दे रहे हैं कैपिटल में, 11 किलोमीटर के फासले के ऊपर आपकी कीमत आधी हो रही है, ठीक है। तो थोड़ा सा दिमाग यूज़ करके आपने इन्वेस्टमेंट करनी है। अच्छा जी हूँ ये देख, ये मुमताज सिटी है सारा, ठीक हो गया। ये इस्लामाबाद की तरफ एयरपोर्ट की तरफ दूसरा रोड जा रहा है, हमारे लोगों को पता ही नहीं है कि इस्लामाबाद एयरपोर्ट दूसरा है, वो कैपिटल के साथ 2 किलोमीटर फासले पर भी रोड जा रही है, लोगों ने एक ही रोड पकड़ी हुई, लोग समझते हैं एक ही रोड है। अच्छा जी बटवा जरा साइड से कर लवा। अच्छा जी ये जी इस्लामाबाद पिंडी पहुँच गया, भाई कितने हो गए, 8 मिनट हो गए, 8 मिनट 40 सेकंड, ठीक है। इतना पिंडी में मैं कहीं से भी जाऊं तो मेरा एक इशारे पे 8 मिनट लगता है, जबकि एक इशारे पे मैं आ गया हूँ। गाड़ी की रफ्तार भी तेज़ होती है तो आपका पेट्रोल का कंजम्पशन भी कम रहती है। ये सामने टॉप सिटी है भाईजान, 45 लाख रुपए का किस्तों पे दे रहे हैं, और डेवलपमेंट भी देख लें, काम भी देख लें, इतना खास नहीं है क्योंकि मैं हमेशा ये कहता हूँ कि लोकेशन के साथ नाम भी और नाम के साथ काम भी, ये सारी चीज़ें चाहिए होती हैं। तो भाई साहब बहुत अच्छी इन्वेस्टमेंट है, ठीक हो गया, आने वाले वक्तों में एक बहुत अच्छी इन्वेस्टमेंट है। ये वही है फेज 7 बैरियर टाउन रावलपिंडी में, आज से 10 साल पहले 7-8 लाख रुपए का प्लाट 10 मरले आया या से शायद ज़्यादा आया, आज वो प्लाट 1.25 करोड़ रुपये का है, करोड़ से 1.25 करोड़। अब वही लोग वापस आके कहते हैं यार काश सन मिल जाए, लेकिन अब कुछ हो नहीं सकता, अब उसका कोई हल नहीं है, अब हल यही है कि भाईजान करोड़ रुपया दो। कौन है भाई, चल तन में बाद चुकना फोन। अच्छा जी अस्सलाम वालेकुम दोबारा जी, ये मैं अच्छा ये कश्मीर हाईवे, ये सामने 18 इस्लामाबाद का बोर्ड लगा हुआ है राइट पे, दैट इज 18 इस्लामाबाद, एक लग्जरी प्रोजेक्ट है, इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से मैं नहीं रिकमेंड करता, ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है भाई, कोई लड़ना ना आ जाए मेरे से,
मैं अपना पर्सनल ओपिनियन दे रहा हूँ, हर बंदे का एक राइट है अब पर्सनल ओपिनियन का, ठीक है, पाकिस्तान के कानून के मुताबिक आप भी दे सकते हैं। मैं आपको जरा ये राइट भी अभी आपको ना राइट अल्लाह भला करे कि ये जो राइट रोशनी नजर आ रही है, ये सीन इस्लामाबाद का बोर्ड लगा हुआ है, ये रहा नजर आ गया, ये भाई टीम इस्लामाबाद एक लग्जरी प्रोजेक्ट है, 4.5 करोड़ तकरीबन 3-4 करोड़ रुपए का दे रहे हैं, 10 मरला विला इतने में जो है आपका बैरियर टाउन पिंडी में एक कनाल का विला आ जाता है, कैपिटल स्मार्ट सिटी में इससे सस्ता आ जाता है। बात यह है कि थोड़ा सा आपने चीजों को रियलिटी को देख के इन्वेस्टमेंट करनी है, दैट इज कश्मीर हाईवे। ये जो कश्मीर हाईवे है सिद्धो सिद्ध बिल्कुल सीधा, कोई मोड़ छोड़ नहीं है इसमें, यह सीधा जाती है इस्लामाबाद एक्सप्रेस वे, जड़ी फैसल मस्जिद को मिलती है, जड़ी पुराने एयरपोर्ट तरफ भी जाती है, फैजाबाद आरशा, तो आप इससे एक्सेस कर सकते हैं सीधा। ये बेसिकली कैपिटल स्मार्ट सिटी का पूरा एक एक्सेस थी जो मेन एक्सेस है, इंटरचेंज जब बनेगा तो फिर लोग डायरेक्ट, अभी तो आरजी एक्सेस है वो चक्री रोड से। ये भी खुली डुली रोड है, 100 की स्पीड पे जाओ आराम आराम से, बिल्कुल सीधा, बेशक गड्डी सहज हो। आगे जाते हैं तो राइट और लेफ्ट पे जो है सीडीए के सेक्टर्स आ जाते हैं, ऑर्गेनाइज्ड नहीं है अदरवाइज लोकेशन, सीडीए के सेक्टर्स की ठीक है, लेकिन ये है कि बस अजीब ही वो है, गलियां शलियां मैनेजमेंट नहीं है, चोरियां सब कुछ वो, मतलब हालात ठीक नहीं है। सिक्योरिटी इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट ऑफ एवरी हाउसिंग सोसाइटी, दैट्स व्हाई जहां मैं अब बैरियर टाउन में रह रहा हूँ सुकून है, कोई टेंशन परेशानी नहीं है। ये देख लें, ये आगे पुल आएगा उससे उल्टे हो जाएंगे तो B17 आ जाता है, पिंडी आ जाता है टेक्सला की तरफ, राइट हो जाएंगे सदर चले जाता है, सीधा जाते हैं तो उधर चले जाते हैं, तो इन द लॉन्ग टर्म एक बहुत अच्छी इन्वेस्टमेंट है। इसके अलावा भी पाकिस्तान में आप इन्वेस्टमेंट में इंटरेस्ट रखते हैं तो आपको इंशाल्लाह हम इन्वेस्टमेंट्स कराएंगे, अच्छी इन्वेस्टमेंट कराएंगे लॉजिकल बात के साथ, ये नहीं कि बस हवाइयाँ मार दे रही है। दूसरी चीज़ यह है कि चैनल को आप सब्सक्राइब करें, आपको इसी तरह खरी और सच्ची और बेहतरीन वीडियोस मिलती रहेंगी। तो बाकी है कि इंशाल्लाह बहुत जल्द दोबारा नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ हाजिर होंगे, कैपिटल स्मार्ट सिटी को स्टडी करें और इन्वेस्टमेंट करें। आप हमारी खिदमत हासिल कर सकते हैं कैपिटल स्मार्ट सिटी में बुकिंग के हवाले से, चाहे आप पाकिस्तान में चाहे बाहर हैं, हमारे पास ऑनलाइन प्रोसीजर्स भी हैं, उस पर भी आप बुकिंग करवा सकते हैं उसके थ्रू भी। वी आर द प्लैटिनम सेल्स पार्टनर ऑफ कैपिटल स्मार्ट सिटी बाई नेम ऑफ RBS एंड प्रॉपर्टी नामा ग्रुप। इसके अलावा वी डील इन बहरिया टाउन एंड अदर मेगा हाउसिंग प्रोजेक्ट्स इन पाकिस्तान। तो ये सामने जो है वो एक रोड आ गई, मैंने पिंडी की तरफ मुड़ना है, पिंडी मुड़ जाऊँगा, जिन इस्लामाबाद जाना होगा वो सीधा चले जाएंगे, जो सदर जाना होगा राइट चले जाएंगे। तो आज से 10 साल बाद आप एक चीज़ को देखा करें, क्योंकि आज आप जो पैसे दे रहे हैं वो आप आज से 10 साल बाद के पैसे दे रहे हैं, आज के पैसे नहीं दे रहे। तो ये ओवरऑल वो है, ठीक हो गया सर, अपना ख्याल रखिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करें, घंटी का बटन दबाएं, जो भी हमारी वीडियो आएगी इंशाल्लाह उससे आप जो है इन्फॉर्मेशन मिलेगी आपको, हम बेसिकली आपको नॉलेज देंगे प्रॉपर्टी के बारे में, तो आपके पास नॉलेज आ जाएगा तो आपको कोई मात नहीं दे सकेगा, आपको कोई दो नंबरी नहीं कर सकेगा, आपके साथ कोई फ्रॉड नहीं कर सकेगा। अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।